अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त किसान भाई ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले DAP वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात, DAP का रिप्लाई जो बंद है वो कब से ओपन होने के चांसेस हैं। तीसरी बात, DAP टोकन का जो रेट है वो 200 रुपये तक आ चुका है, क्यों, इसकी वजह क्या है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब हम बात करते हैं अपने वहाँ टॉपिक पर, DAP वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि DAP की आटो पेमेंट आ रही है, DAP की जो पेमेंट है वो उन कार्ड पर आ रही है जिन पर रिप्लाई आता था DAP कूपन नंबर दुरुस्त है, मजीद कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा। तो जिन दोस्तों ने उन कार्ड पर टोकन लगाए हुए थे उनकी पेमेंटें उनको नहीं रिसीव हुई थी तो उनको पेमेंटें रिसीव होनी शुरू हो गई हैं। 2019-20 के टोकन आ चुके हैं, 21 के जो है वो मंथ जो चल गए हैं वो चल गए हैं, जून तक आ गई है पेमेंट। तो जून तक जिन दोस्तों ने लगाए हुए थे तो जून तक की पेमेंटें जो हैं DAP की भी आ गई हैं, NP की भी आ गई हैं। तो बाकी रही बात वेरिफिकेशन की, जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो वेरिफिकेशन बंद होने की वजह की भी मैं आपको एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो वेरिफिकेशन की बंद होने की वजह है वो क्या है। वो ये वजह थी कि एहसास के पैसे चलने की वजह से जो है वेरिफिकेशन फ़िलहाल बंद हुई हुई थी, तो इसलिए DAP की वेरिफिकेशन फ़िलहाल ऑफ थी। दूसरी बात, DAP का रिप्लाई बंद है। DAP का जो रिप्लाई रात से जैसा कि सिस्टम HBL कनेक्ट का हैक हुआ था उसके बाद से DAP का रिप्लाई भी बंद हो गया है। तो ये एक सिस्टम का एरर है फ़िलहाल जो है, ये एक दो दिन तक सेट हो जाएगा। मज़ीद, DAP के टोकन का जो रेट है वो 200 रुपये तक आ चुका है, इसकी क्या वजह है। DAP का जो 200 रेट है वो 200 रुपये का टोकन मिल रहा है वो इसकी वजह ये है कि रिप्लाई जो बंद है तो रिप्लाई बंद होने की वजह से इसका टोकन का रेट भी बिल्कुल डाउन हो गया है। तो आप परचेज़ करते हुए एक बात एहतियात करनी है कि टोकन इस्तेमाल से ज़्यादा लें। बाकी अगर हम बात करें कि DAP के जो टोकन है वो 5-5 के एक्सपायर हो चुके हैं, 2021 के 5 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो हैं एक्सपायर हैं, इससे जून और उससे आगे वाले जो हैं टोकन चल रहे हैं। तो आपने जो टोकन लेते वक्त आपने एहतियात करनी है और आपने देखभाल के लेनी है। ये थी चंद एक अहम इन्फॉर्मेशन DAP सब्सिडी के हवाले से जो मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों तक पहुँचा दूँ। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गंदम की सब्सिडी, गंदम की सब्सिडी जो है 13 से 18 नवंबर तक की जिन दोस्तों ने सेंड किए हुए थे टोकन उनकी आ रही है। और पोटाश की जो सब्सिडी है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आ रही है। अगर कोई दोस्त अभी शाम को भी लगाता है टोकन तो उसकी जो पेमेंट है वो सुबह सुबह 7-8 बजे से पहले पहले आ जाती है। तो इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।